हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, एक कमेंट मुझे काफी ज्यादा देखने के लिए मिला है कि भाई हमको डिजो नेकबैंड लेना चाहिए या फिर बोट रॉकर 333 लेना चाहिए, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट काफी सिमिलर है, काफी अच्छे हैं। जब से रियलमी बड्स वायरलेस 2 न्यू की जो प्राइस बढ़ी है, उसके बाद में थर्ड ऑप्शन किसी के पास में बचा ही नहीं है कि हमको कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो गई है। तो बंदे सोच रहे हैं कि यार हमको या तो डिजो नेकबैंड में जाना चाहिए या फिर हमको बोट में जाना चाहिए। तो मैं इन दोनों का कंफ्यूजन आपका दूर करूंगा कि दोनों में से अगर आप प्रोडक्ट लेने की सोच रहे हैं तो आपको कौन सा प्रोडक्ट में लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनके फीचर्स, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपको कौन सा इसमें से लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवर साइज की। तो गाइस, डिजो में आपको जो ड्राइवर साइज मिल जाती है 11.2 mm की मिलती है, साथ में बोट में आपको 10 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं। कोई ज्यादा बड़ा चेंजेस है नहीं, अच्छा खासा आपको ड्राइवर साइज यहां पर देने के मिल जाता है। दोनों ब्लूटूथ में आपको मैग्नेटिक कंट्रोल देखने के मिल जाता है, जो चिपकाने वाला सिस्टम होता है वो दोनों में आपको देखने के लिए मिल जाता है। ENC का सपोर्ट आपको डिजो में मिल जाता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक ENC का सपोर्ट आपको बोट में नहीं मिलता। बोट में आपको सिग्नेचर साउंड मिल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको ENC या ENC देखने के लिए नहीं मिलती है, स्पेसिफिक नहीं किया गया है, लेकिन हाँ इसके अंदर आपको ENC सपोर्ट मिल जाता है। सेकंड गाइस, यहाँ पर आपको डिजो के अंदर 88 ms की लो लेटेंसी मिल जाती है, लेकिन कोई स्पेसिफिक गेमिंग मोड आपको बोट में नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें गेमिंग नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि आप उसमें गेमिंग नहीं कर पाओगे, लेकिन कोई स्पेसिफिक मोड आपको नहीं मिलता। क्योंकि आपने देखा था, अभी मैंने रियलमी बड्स वाले 2 न्यू का जो गेमिंग जो चैलेंज था वो किया था, गेमिंग टेस्ट किया था, तो विदाउट जब मैंने नॉर्मल मोड में इसमें गेम खेला था तो मुझे थोड़ा बहुत वॉइस में डिले मिल रहा था, लेकिन जब मैंने उसको गेमिंग मोड में स्विच किया तो गाइस वहां पर जो एक्यूरेट वॉइस है वो एक्यूरेट टाइम पर हमको देखने के लिए मिल रही थी। तो इसीलिए होता है गेमिंग मोड था कि वॉइस हमको एक्यूरेटली देखने के लिए मिल जाए। तो डिजो में आपको मिल जाता है गेमिंग मोड, लेकिन बोट में आपको कोई स्पेसिफिक मोड नहीं मिलता। दोनों में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है, 10 मीटर की वायरलेस रेंज मिल जाती है। सेकंड बात गाइस, बात करें प्रोटेक्शन की, तो IPX4 का वाटरप्रूफ रेजिस्टेंस आपको डिजो में मिल जाता है, IPX5 का स्प्लैश प्रूफ एंड स्वेट प्रूफ रेजिस्टेंस आपको बोट में मिल जाता है, जो कि जिम के लिए काफी प्रूफ है, अच्छी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा जो चेंजेस आता है वो आता है बैटरी बैकअप में। डिजो में आपको 17 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, सेकंड आपको बोट के अंदर 30 हॉर्स का बैटरी बैकअप देने में मिल जाता है, यानी कि 30 घंटे का। दोनों को आप 1 से 2 घंटे में चार्ज कर पाओगे। साथ में गाइस, जो डिजो है उसमें आपको 10 मिनट चार्ज करने पर 120 मिनट का प्लेबैक मिलता है। अगर आप बोट की बात करते हैं तो बोट में अगर आप 10 मिनट चार्ज रखते हैं तो आपको 10 घंटे का प्लेबैक मिल जाता है, यानी कि बैटरी के लिए काफी अच्छा यहां पर आपको बोट देखने के लिए मिल जाता है। अगर प्राइस की बात करते हैं तो डिजो में आपको 999 की प्राइस देखने के लिए मिल रही है, और अगर बोट की बात करते हैं तो बोट में आपको 1099 यानी कि 1100 रुपए की प्राइस मिल रही है। अब गाइस बात आती है कि हमको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। गाइस आपकी नीड किस हिसाब से है, मान लो कि आप स्टडी वगैरह कर रहे हो, आपको बैटरी बैकअप ज्यादा चाहिए तो आप जा सकते हैं बोट की तरफ, लेकिन मान लो कि आप स्टडी भी कर रहे हो, आपको गेमिंग भी करना है जो कि एक अच्छे लेवल का हो, तो गाइस आप जा सकते हो डिजो की तरफ। बैटरी बैकअप अगर आपको बेटर चाहिए, डिजाइन आपको बोट की पसंद आ रही है, साउंड आपका बोट को पसंद आता है, तो वहां पर जा सकते हैं आप बोट की तरफ। ऐसा नहीं है कि बोट खराब है, बढ़िया प्रोडक्ट है वहां पर, लेकिन एक स्पेसिफिक गेमिंग मोड होता तो काफी बढ़िया होता। अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो वैसे डिजो की तरफ आपको जाना पड़ेगा, वहां पर आपको गेमिंग मोड मिलता है, जिससे कि आपको जो गेमिंग है वो काफी बढ़िया मिलेगी। तो आपके नीड के हिसाब से आप इसमें से प्रोडक्ट ले सकते हैं। दोनों ही प्रोडक्ट काफी बढ़िया है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बोट खराब है या फिर डिजो खराब है, दोनों ही प्रोडक्ट आपको काफी अच्छी क्वालिटी के साथ में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो वैसे अब आपको सोचना आपको है कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे लेना चाहिए, मुझे नीड किस चीज की है, उसके हिसाब से आप समझ जाओगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।